सो फाइनली दोस्तों टीवीएस अपनी जैपलिन 125 को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, जिसमें दोस्तों आप लोग को एक से एक अमेजिंग फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग को सिंगल चैनल एबीएस राइडिंग मोड, डिजिटल मीटर कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे काफ़ी सारे फीचर्स आप लोग को इस जैपलिन 125 पे देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को इसी बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर जो है इस बाइक के फीचर्स के बारे में ही बताता हूं, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि टीवीएस कंपनी जो है अपने बाइक में कभी भी फीचर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों आप लोग को इस बाइक में भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। लाइक इस पे दोस्तों आप लोग को कंप्लीट LED लाइटिंग सेटअप दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक पे आप लोग को डिजिटल मीटर कंसोल तो मिलेगा ही, उसमें दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और GPS के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे, और हो सकता है दोस्तों कि इस बाइक पे आप लोग को डुअल डिस्प्ले के साथ सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक पे आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे, और सेफ्टी वाइज दोस्तों साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर तो मिलेगा ही। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करी जाए इंजन के बारे में, तो इस बाइक पे दोस्तों सेम आप लोग को रेडर 125 वाला इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 11.2 BHP के आसपास में पावर और 11.2 NM तक का ही टॉर्क देखने को मिलेगा। जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के सेटअप के साथ आएगा, जिसमें दोस्तों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही देखने को मिलेगा। बाइक पे आप लोग को कोई भी किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों आप लोग को 60 KMPL के आसपास में देखने को मिलने वाली है। वहीं प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों 1,25,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये के आसपास में इस बाइक की एक्सपेक्टेड ऑन रोड प्राइसिंग बताई जा रही है। वहीं लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक को दोस्तों इसी साल के एंड तक में हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे TVS कंपनी लॉन्च कर सकती है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।